class. I am Ms. Fatima from Real Scholars College, Vacant. First year, आज आपका उर्दू का हम दाव तहलवी की गज़ल पढ़ेंगे और दाव तहलवी का तारुफ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उनकी पैदाइश हुई 25 मई 1831 में और वफात हुई 1905 में। तो नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाव दिल्ली में पैदा हुए, किला मोहल्ला में परवरिश पाई और किला में मुशायरों की रौनक को दाव ने करीब से देखा और यहीं से इनका शौक़ शायरी उभरा और निखरा। शायरी में उस्ताद ज़ौक के शागिर्द थे। दाग के यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमाया है वो लुत्फ़ मुहावरा और ज़ुबान का चटखारा है और उनका अंदाज़े बयान बड़ा खूबसूरत है। दाग की गज़लों में इश्क की मामला बंदी, शोखी और मसरत के जज्बात की फरावानी है और उनकी शायरी में मीर का गम या गालिब का गौर फिक्र नहीं है, मगर इनका अंदाज़े बयान सहल और ममतना की बेहतरीन मिसाल पेश करता है, जिसकी बदौलत इनकी शायरी को एक ख़ास मकाम हासिल हुआ है और इनकी ज़ुबान को सनत का दर्जा हासिल है। इनका एक इम्तियाज़ ये भी है कि अलामा इकबाल भी उन्हें अपना कलाम इस्लाह के लिए अरसाल किया करते थे और इनकी मौत पर इकबाल ने एक पुरतासीर मरसिया लिखा जिसमें दाग की शायरी की खूबियाँ बयान की गई हैं। उर्दू गज़ल की तारीख में दाग को नुमाया मकाम हासिल है और उर्दू ज़बान के फ़रोग में भी इनकी शायरी का बड़ा हिस्सा है। दाग का कुलियात उर्दू शायरी का काबिल कदर सरमाया है। इनके जो मजमू हाय कलाम हैं यानी कुछ इनकी तसानीफ, उसमें मशहूर व मारूफ जो हैं महताब दाग, गुलजार दाग, आफ्ताब दाग और यादगार दाग दाग तहलवी के नुमाइंदा शेरी मजमूए हैं और 1905 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। दाग ये अपने शेरों में तखल्लुस के तौर पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दाग तहलवी की गज़ल का मतला है यानी गज़ल का पहला शेर, आईना अपनी नज़र से न जुदा होने दो, कोई दम और भी आपस में ज़रा होने दो। तो इस गज़ल के पहले शेर में यानी मतला में दाग ने इंतहाई सादा और आम फहम ज़ुबान इस्तेमाल की है और वो महबूब के आईने में अपनी सूरत देखने को बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज बता रहा है और वो कहता है कि वो अपने महबूब के इस इंतज़ार में है कि कब वो अपने आईना को रखे और मेरी तरफ तवज्जो करे, क्योंकि वो तो अपने आप में ही मगन है और मुसलसल आईने में ख़ुद को देखे जा रहा है। लेकिन साथ साथ शायर जो है वो माशूक पर अपने तंज भी कर रहा है और वो कहता है कि ऐ मेरे महबूब, इस आईने को अपनी नज़रों से मत हटाओ और कुछ देर मजीद अपने अक्स को अपने चेहरे के रूबरू होने दो, आईने में नज़र आने वाला अक्स तुझे देखे और तू उसको देखे, ये सिलसिला ख़त्म ना होने दो और इन दोनों को एक दूसरे का दीदार करते रहने दो। तो शायर जो है वो यहाँ ये भी कह रहा है कि महबूब को अपने हुस्न व जमाल पर इस कदर नाज है कि आईना देखते हुए उसका जी अपने आप से नहीं भरता। दूसरा शेर है, कम निगाही में इशारा है इशारे में हया, या ना होने दो मुझे चैन से या होने दो। कम निगाही का मतलब है कम कम देखना और हया शर्म को कहते हैं। यहाँ पर उर्दू शायरी में महबूब का किन आँखियों से देखना यानी आँखों के कोनों से या टेढ़ी नज़र से देखना, टेढ़ी निगाह से देखना आशिक के लिए एक तीर अंदाजी से कम नहीं होता। तो यही बात दाग ने भी इस शेर में बयान की है और वो कहता है कि ऐ मेरे महबूब, ये बात तस्लीम है कि तुम इंतहाई कम मेरी तरफ देखते हो और यही तुम्हारी हया का तकाजा है, मगर तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा इस तरह से देखना मुझे किस कदर बेचैन करता है, या मुझे इस तरह तुम देखते रहो ताकि मेरी बेचैनी जो है वो मज़ीद ना बढ़े, और या फिर मुझे ना देखो ताकि मैं कभी मुझे करार ना आए और मैं हर एक नज़र के लिए तड़पता रहूँ। दूसरा शेर है कि तीसरा शेर है, हम भी देखें तो कहाँ तक न तवज्जो होगी, कोई दिन तस्करे अहले वफा होने दो। दाग का महबूब उसे मुसलसल बेरुखी दिखा रहा है और उसके हज़ार कोशिश करने के बावजूद वो अपने चाहने वाले की तरफ नजर करम नहीं कर रहा, मगर शायर ये कह रहा है कि मेरे महबूब ने कोई पक्का अज़्म नहीं कर रखा कि वो हमारी तरफ तवज्जो ना करें, हम मज़ीद कुछ दिन इंतज़ार करेंगे और उसे दूसरे लोगों की वफाओं की दास्तानें सुनाएंगे तो शायद उसका दिल मेरे लिए नर्म हो जाए और वो अपनी नजर करम मेरी तरफ करे। चौथे शेर में शायर कहता है कि आँख मिलते ही कहूँ खाक हकीकत दिल की, देख कर जलवा मेरे होश बजा होने दो।
शायर इस शेर में कहता है कि एक रोज़ अचानक जब मेरा महबूब मेरी तरफ़ मुतवज्जो हुआ, यानी एक बार उसने मेरी तरफ़ देखा तो मुझसे मेरे दिल की कैफियत दरियाफ्त की, तो मैं महबूब का जलवा देखकर इस कदर बदहवास हो गया, यानी मुझे होश ना रहा और मेरे मुंह से कोई एक लफ्ज़ भी अदा ना हो सका, भला अपने दिल का हाल मैं कैसे बयान कर सकता था। तो इसलिए ऐ मेरे महबूब, पहले मेरे होश को ठिकाने आ लेने दो और फिर मैं तुझे अपने दिल का हाल तफसील से सुनाऊंगा। उसके बाद पांचवा शेर, तुम दिल आज़ार बने रश्के मसीहा कैसे, कम न होने दो मेरा दर्द सिवा होने दो। यहाँ शायर जो है वो हमेशा से उर्दू गज़ल में जितने भी शायर हैं वो तमाम महबूब की हमेशा सितम ज़रीफ़ी को बयान करते हैं, और यहाँ भी शायर दाग दहलवी जो हैं वो यही कह रहे हैं कि मेरा महबूब जो है वो बहुत सितम गर है, मुझ पर हमेशा से जुल्म करता आ रहा है। तो चाहे आशिक जितनी भी मोहब्बत और मुरव्वत जताए, महबूब उस कदर सख्त ही अंदाज दिखाता है। तो महबूब से मुखातिब होकर शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, तुम्हें तो मेरे ऊपर जुल्म ढाने में हमेशा ही सुकून मिलता है, तुम्हारे जुल्म सितम और बेरुखी ने मुझे मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है, और अब अचानक तुम इस कदर मुखलिस और दर्दमंद बन गए कि मेरी मसीहाई और मेरी दिलजोई करने लगे हो। तो शायर यहाँ कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, तुमने जिस तरह का जालिमाना रवैया मुझसे पहले रखा था उसको अब भी वैसे ही रहने दो, मेरे दुख बांटने की कोशिश मत करो बल्कि इसको मज़ीद बढ़ाओ ताकि मुझे अपने इस दर्दनाक ज़िंदगी से जल्द अज जल्द छुटकारा मिल सके। छठा शेर है, क्या ना आएगा उसे खौफ मेरे कत्ल के बाद, दस्त कातिल को ज़रा दस्त दुआ होने दो। शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, मुझ पर इस कदर जुल्म सितम करो कि मुझे कत्ल कर डालो, और एक दिन ऐसे ही होगा कि तुम्हारे जुल्म सितम सहते सहते मेरी जान चली जाएगी। तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि जब मेरा महबूब मुझे कत्ल कर डालेगा तो उसे बाद में भी पछतावा ज़रूर होगा, और वो अपनी इस गलती की माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ ज़रूर उठाएगा, मगर उस वक्त उसके पछतावे का कोई फ़ायदा ना होगा। शेर नंबर 7, जब सुना दाह कोई दम में फना होता है, इस सितमगर ने इशारे से कहा होने दो। शायर कहता है कि महबूब की बेइतनाई और बेजा जुल्म सितम ने मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया, और जब महबूब को मेरे वक्त नज़ा पर यह खबर मिली कि तेरा आशिक यानी दाह जो है वो मरने वाला है, तो अब तो जाकर अपनी सूरत उसे दिखा दो, लेकिन फिर भी उसका दिल नर्म ना हुआ और वो हमेशा से सितमगर था, और उस वक्त भी उसने इंतहाई लापरवाही से काम लिया। जब किसी ने उसे कहा कि अब तो उसके पास चला जा, तो उसने भी उस खबर रसां को उसने ये इशारा किया, ये बात समझाई कि मर जाने दो, यानी दाग के होने या ना होने से, दाग शायर खुद को कह रहा है कि दाग के होने या ना होने से उसके आशिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह बकौल मोमिन, यानी मोमिन खा मोमिन कहते हैं, कहा उस बुत से जब मरता है मोमिन, कहा मैं क्या करूँ मर्ज़ी खुदा की, यानी महबूब को दमे मर्ग भी आशिक पर तरस ना आया, वो जैसा मगरूर और लापरवाह पहले था आज भी उसकी लापरवाही कम ज़ाहरा कर रहा था, और उसे तो आशिक की तकलीफ में ही राहत मिलती थी। डियर स्टूडेंट्स, इस गज़ल की एक्सरसाइज हम अपने नोट्स से ही करेंगे, और इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि शायर महबूब से क्या चीज़ जुदा ना करने को कह रहा है। शायर महबूब की नज़रों से आईना जुदा ना करने का कह रहा है, और शायर अपने आप को महबूब का आईना कह रहा है जिसमें महबूब अपना अक्स देखे, इसलिए शायर अपने आप को आईना कहते हुए महबूब के सामने रहना चाहता है। महबूब की कम निगाही का शायर पर क्या असर होता है? महबूब की कम निगाही यानी उसका अपने आशिक पर कम तवज्जो देने का ये असर होता है कि आशिक उलझन और कशमकश में मुब्तला रहता है और सोचता रहता है कि महबूब इस पर कम तवज्जो क्यों दे रहा है और उसे नज़रअंदाज क्यों कर रहा है, या ये शर्म हया का तकाजा है। उसके बाद क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तस्करा अहल वफा से शायर को क्या उम्मीद है? तो तस्करा अहल वफा से शायर को ये आस और उम्मीद है कि जब महबूब की महफिल में वफ़ादार आशिकों का जिक्र आएगा तो महबूब का ध्यान उसकी तरफ ज़रूर जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा महबूब से वफा करने वाला कोई शख्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, शायर आंख मलते ही दिल की हकीकत क्यों नहीं कह सकता? आंख मिलते ही दिल की हकीकत क्यों नहीं कह सकता? शायर आंख मिलते ही दिल की हकीकत इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि महबूब के सामने आते ही उसके होशो हवास उड़ जाते हैं और उसे अपना होश नहीं रहता, तो दिल का हाल क्या सुनाएगा। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, शायर को महबूब का मसीहा होना क्यों अजीब लगता है?
शायर को महबूब का मसीहा होना इसलिए अजीब लगता है क्योंकि महबूब तो जुल्म व सितम करता है, जो शख्स जुल्म करता हो वो इन दुखों को ख़त्म कैसे करने पर आमादा होता है। ये भी कहीं आशिक के साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा, इसलिए आशिक शायर कहता है कि मेरे दुखों को कम करने की बजाय उन्हें बढ़ने दो, क्योंकि गम बर्दाश्त करना मेरी आदत सी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्ते कातिल के दस्ते दुआ होने से क्या मुराद है। तो दस्ते कातिल के दस्ते दुआ होने से मुराद महबूब का आशिक के कत्ल करने के बाद पछताना और अपने किए पर माफ़ी के लिए अल्लाह के आगे दुआ के लिए हाथ उठाना है। शायर ख्याल करता है कि महबूब आशिक के चले जाने के बाद अपने किए पर शर्मिंदा होगा। दाग के दम भर में फना होने की खबर पर महबूब ने इशारे से क्या कहा। तो मैं जब महबूब को ये बताया गया कि तुम्हारा वफादार आशिक मरने के करीब है, चंद लम्हों का मेहमान है, तो आशिक के हाल पर तरस खाने की बजाय महबूब ने बहुत संग दिलाना अंदाज में कहा कि मरने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो पिछली गज़ल हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, असदुल्ला खान खालिब की कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इसकी एक्सरसाइज आप अपने नोट्स से ही याद करेंगे और अच्छे से याद करनी है।